हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मैं प्रयागराज मिश्रा आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर सहदय अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा जो आज की वीडियो है हम लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बी ए बी एस सी बी कॉम एम एल एल बी बी एल एल बी और एम एड के सबके लिए आज वीडियो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमें हमने पिछली वीडियो में भी देखा उसकी पहली वीडियो में भी देखा इसी तरह हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने रखी हम लोगों ने पूरी कोशिश की उनको सॉल्व करने की फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरा भी एक चैनल चलता है करेक्शन पॉइंट डाल करके और करेक्शन पॉइंट के आगे करेक्शन पॉइंट के आगे आप लोग मेरा नाम डाल दीजिएगा प्रयाग तो आप लोगों को वहाँ पर हम प्रोनाउंशिएशन कराते हैं वर्ड्स के जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है मैं डेली एक वर्ड अपलोड करता हूँ बट अभी जो मेरे आ, मेरा चैनल है वो काफ़ी नया है इस वजह से ज़्यादा उसमें इम्प्रूव हुआ नहीं है लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से उसको और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सकती है सो so, प्लीज़ जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा और उसे भी लाइक like, सब्सक्राइब तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चलिए फ्रेंड्स आज की जो अपनी वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं लेकिन फ्रेंड्स जो आज की वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है सो so, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और हो सके तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो और आप लोग नोट करते जाइएगा जो हम वर्ड्स और सिनोनिम्स बोलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो, पहला वर्ड है वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला वर्ड है नेवरी नेवरी का मतलब होता है धूर्तता फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको सिनोनिम्स छाटना होगा आपके ऑप्शन हैं हीरोइज़्म बी कॉर्डाइज सी डिसऑनेस्टी एंड डी स्टूपिडिटी तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता देंगे एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी समझने में और प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी पे जितनी भी वर्ड मीनिंग है उनको भी नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को बता दें कि ए जो ऑप्शन आ रहा है आपका हीरोइज्म हीरोइज्म का अर्थ होता है वीरता या बहादुरी और ऑप्शन जो बी है कवर्डाइज उसका मतलब होता है कायरता तीसरा वर्ड आप लोगों का है डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी ईमानदारी से कोई कार्य ना किया जाए वो डिसऑनेस्टी कहलाता है और आप लोगों का जो ऑप्शन डी है वो है स्टुपडिटी तो यहाँ पर जो एकदम और आप लोग को ध्यान में रखना है यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का सिनोनिम्स पुट कर देना कॉपी पे उसका राइट आंसर पुट कर देना ही काफ़ी नहीं होगा यहाँ पर जो आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग वर्ड्स पढ़ना चाहिएगा यहाँ पर भाव ज़्यादा मैटर करता है तो भाव क्या निकल कर आ रहा है इस पर आधारित सेनोनेम्स हैं तो आप लोगों को ध्यान में ये चीज़ रखकर अपना वर्क करना है वर्क कंप्लीट करना है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिसऑनेस्टी चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन नंबर दो इंसिपिट तो फ्रेंड्स इंसिपिट का मतलब होता है कोई चीज़ फीकी लगना जैसे कि जिसमें जो चीज़ खाने में जिसका स्वाद ना आए बेस्वाद होना कोई चीज़ तो इसके लिए आपके ऑप्शन दिए हैं ए लूसिड बी विली सी वी टी एंड डी फ्लैट तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें जो पहला ऑप्शन है आप लोगों का ए लूसिड उसका अर्थ होता है क्लीन स्पष्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने इंस्पिट की इंस्पिट का अर्थ क्या बोला है इंस्पिट की मीनिंग हिंदी में क्या बोली है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के जो ऑप्शन चार हैं उनकी मैं वर्ड मीनिंग बोलूँगा और हाँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग आ, मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप लोग कमेंट करिए मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूँगा बाद में इंस्पिट तो हमने बोला बेस्वाद जिस जो चीज़ खाने में फीकी लगे तो इसका जो पहला ऑप्शन है लूसिड उसका अर्थ होता है क्लियर स्पष्ट दूसरा जो ऑप्शन है आप लोगों का बी विली इसका अर्थ होता है कपटी तीसरा जो ऑप्शन है सी विटी इसका अर्थ होता है पर्यासजनक जो कि आप लोग ध्यान रहे प्रयासजनक मतलब जिसकी जिसका मजाक बनाया जा सके और आप लोगों का जो डी ऑप्शन है फ्लैट उसका मतलब होता है Uh, किसी चीज का रस ना होना चौरस जिसको कहते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लैट चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री है जो आप लोगों का वर्ड नंबर थ्री आप लोगों की स्क्रीन पे है कॉन्ट्यूमेसी कॉन्ट्यूमेसी का अर्थ क्या होता है आप भाव समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ये वर्ड क्या कह रहा है कॉन्टोमूसी का अर्थ होता है आगरा अब आप लोगों को लगेगा रिक्वेस्ट तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होगा एक आगरा होता है जो आप लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से करते हो किसी से कि प्लीज़ गिव मी योर पेन लेकिन एक आगराह होता है कि किसी को आप जबरदस्ती प्रेशराइज़ करते हो किसी कार्य को करने के लिए आप कर आग्रह ही रहे हो उससे लेकिन उस पर प्रेशर डालकर आप लोग समझ गए होंगे सिर्फ भाव को यहाँ पर समझिएगा आप लोगों को वर्ड मीनिंग पर ही वर्ड्स पे ही फोकस नहीं करना है भाव यहाँ पर ज़्यादा मैटर कर रहा है तो जो तीसरा है कंटिन्यूसी इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन हैं आप लोगों के पहला है डिवॉर्स बी रिलेशन सी रेसिस्टेंस एंड डी कोऑपरेशन चलिए सबकी मीनिंग्स बताते हैं ए डिवॉर्स आप लोग जानते डिवॉर्स तलाक देना बी रिलेशन जिसका अर्थ होता है संबंध सी है आप लोगों का रेसिस्टेंस जिसका अर्थ होता है रोक किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना या रोक करना और आप लोगों का डी ऑप्शन है कोऑपरेशन कोऑपरेशन मतलब होता है कि सहयोग सहयोग करना तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे जो मैंने पहली भी ये चीज़ कही है कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना वर्ड्स पे नहीं जाना है आप लोगों को यहाँ पर भाव समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है तो कंटीन्यूसी का मतलब होता था कि आगरा किसी से जिद कर कर जिद करके आगरा करना तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है रोक हमने कहा रोक किसी चीज़ को रोक रोक मतलब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगना आप लोग भाव समझिएगा तो कॉन्टिम्यूसी मीन्स आग्रह ऐसा आग्रह जिसके लिए किस आपको प्रेसराइज किया जाए यानी कि आपको वो चीज़ रोक रही हो तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चौथा जो वर्ड है आप लोगों का वो है आप लोगों का ऑब्ल्यूक्वी तो इसका अर्थ होता है किसी को अपशब्द कहना मतलब कहना नहीं अपशब्द ऑब्ल्यूक्वी मीन मतलब अपशब्द तो जो इसके ऑप्शन दिए हैं आप लोगों की स्क्रीन पे ए फॉरगेटफुलनेस बी प्रेजुडिस सी कॉन्फ्रेंस एंड डी डिफेमेशन तो जो आप लोगों की इनकी चलिए मीनिंग वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं ए है फॉर्गेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है कि भूलने वाला भूलने वाला और जो अगले बी है ऑप्शन प्रेजिस इसका अर्थ होता है किसी के बारे में पहले से ही विचार कर लेना किसी के विषय में पहले से ही धारणा बना लेना वो धारणा गलत भी हो या सही भी हो वो मैटर नहीं करता मैटर कर किसी के विषय में आ, ना जानकर भी पहले से अपनी धारणा बना लेना आप लोग समझ गए होंगे तो यहाँ पर मैंने फिर फोकस दे रहा हूँ मैं इस बात पर कि यहाँ पर भाव ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों को वर्ड्स पर नहीं जाना है भाव ज़्यादा मैटर करता है तो आप लोगों का जो सी है ऑप्शन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि मंत्रणा करना सलाह करना है सभा जैसे कि कहते नहीं है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस चल रही है आ, इस तरह से तो वही सभा करना है मंत्रणा करना आपस में बातचीत करना सलाह करना डी ऑप्शन आप लोगों का है डिफेमेशन डिफेमेशन मतलब होता है किसी के मान हानि किसी की डिसरिस्पेक्ट आप समझ लीजिए तो मैंने कहा ऑब्ल्यू क्यू मतलब होता हम हमने बताया था ओब्ल्यू मतलब अपशब्द मतलब किसी को किसी की डिसरिस्पेक्ट करना तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिफेमेशन चलिए बढ़ते हैं अपने पाँचवें वर्ड की तरफ पाँचवा वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे सॉडिट सॉडिट का मतलब क्या होता है सॉडिट का अर्थ होता है नीच गंदा मीन तो ऑप्शंस जो इसके दिए हैं ए हार्मफुल बी डर्टी सी स्प्लेंडिड एंड डी डेंजरस ए का मतलब हार्मफुल हम मतलब नुकसान बी मतलब डर्टी सॉरी बी डर्टी डर्टी मतलब गंदा सी स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड मतलब शानदार एंड डी डेंजरस डेंजरस मतलब खतरनाक तो यहाँ पर जो आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी पांचवे का जो ऑप्शन नंबर बी है डर्टी क्योंकि सॉडिड मतलब गंदा जो अच्छा ना हो या फिर नीच तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का वो राइट आंसर होगा डर्टी चलिए पढ़ते हैं अपने छठे वर्ड की तरफ छठा वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे एवैस एवैस का अर्थ होता है सॉरी आप लोगों को का अर्थ होता है लज्जित करना किसी को अपमानित करना तो आप लोग भाव समझिएगा जहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए रिफ्यूज़ बी एमएस और सी एम्बरेस, बी स्क्वैस तो आप लोगों का आप लोगों की जो वर्ड मीनिंग है वो है रिफ्यूज़ मतलब मना करना एमेज मतलब थोड़ा सा विस्मित कर देना मतलब आश्चर्यचकित कर देना बी एम्बेरिस एम्बेरस मतलब होता है कि शर्मिंदा करना और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का है स्क्वेयर स्क्वेयर मतलब किसी चीज़ को कुचल देना किसी चीज़ को कुचल देना तो ऑप्शन नंबर जो बी है हाँ एवैश मतलब होता है आप लोगों का लज्जित करना तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे जो एम्बेरस है एम्बेरस मतलब किसी चीज़ को आ, किसी को शर्मिंदा करना तो जो आप आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा जिसमें मैंने अभी करेक्शन किया है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा एबेश मतलब होता है लज्जित करना और सी जो आप लोगों का एम्बेरस होता है इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना तो भाव दोनों मिल रहे हैं आपस में चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ न्यूमिनस तो जो वर्ड है वो है न्यूमिनस न्यूमिनस का मतलब होता है दिव्य दिव्य मतलब जो चीज़ आकर्षित करने वाली हो आकर्षण एक प्रकार से है आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं ए अमेजिंग बी अगली सी इंस्पायरिंग एंड डी हैवी अमेजिंग मतलब मैंने अभी पहले भी बोला विस्मित कर देना किसी चीज़ को आकर्षित कर आकर्षित आश्चर्यचकित कर देना बी अगली मतलब कुरूप इंस्पायरिंग मतलब आकर्षित करना या फिर प्रेरणादायक प्रेरणादायक आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे आकर्षित करना मैंने इसलिए बोला क्योंकि यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये मिलता जुलता था और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है हैवी हैवी मतलब यहाँ पर भारी भी होता है थोड़ा सा गंभीर भी होता है एक चेतना है जो मन की वो गंभीरता आप लोग समझिए भाव समझिएगा तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इंस्पायरिंग तो आप लोगों का जो वर्ड नंबर एट है वो आप लोगों की स्क्रीन पे कैंटेंकरस कैंटेंकरस का मतलब होता है कि जो बहुत ही झगड़ालू हो लड़ाका हो और आप लोगों के जो ऑप्शन दिए हैं ए डिसरिस्पेक्टफुल बी नोइजी सी कॉरलसम एंड डी रेस तो जो आप लोगों के वर्ड मीनिंग होगी ए डिसरिस्पेक्टफुल मतलब आ, किसी चीज़ को मतलब अपमानित कर देना जिसकी रिस्पेक्ट ना करना जो अपमानजनक हो नॉइज़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और सी जो है आप लोगों का कोल्सम कोरसम का मतलब होता है लड़ाका, और डी जो आप लोगों का ऑप्शन है डी रैस रैस मतलब बहुत ही ज़्यादा उतावला होना अविचारी किसी चीज़ को सोचे ना बगैर सोचे समझे कार्य कर ले अविचारिक मतलब सही तरीके से ना सोचे और उस कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो आप लोग का जो आंसर होगा राइट यहाँ पर होगा क्वरल सिम जैसे कि मैंने बोला लड़ाका और का आ, जो कॉन्ट्रकर्स है जो आप लोगों को कवर्ड ये सेम है तो आप लोगों का सी ओ जो ऑप्शन है क्वरल सिम ये राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं अपना नवा जो है वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है मलाई मलाइन तो आप लोगों का जो वर्ड है मलाइन मलाइन का अर्थ होता है हानिकारक हानिकारक और आप लोगों के जो ऑप्शन है वो हैं ए अशाइन बी डेविएट एंड सी डेप्रिसिएट एंड डी हार्मफुल तो आप लोगों का ए असाइन असाइन मतलब होता है किसी चीज़ को uh, आरोपित करना है किसी चीज़ पर आरोप लगाना और डिविएट का मतलब होता है मार्क से हटना मार्क से हट जाना और डेप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्यहास, और जो हार्मफुल है उसका मतलब नुकसानदेह या फिर हानिकारक तो जैसा कि मैंने बोला मलाइन तो मलाइन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हार्मफुल डी क्योंकि मलाइन मलाइन मतलब हानिकारक या फिर दोनों ही वर्ड सेम हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो चलिए देखते हैं दसवां वर्ड है जो आप लोगों की स्क्रीन पे टेन एब्रेस का मतलब होता है अंधेरा भैया ये जो आप लोगों का वर्ड है ना थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग इसमें घूम जाएगा जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि भाव समझिएगा आप लोग वर्ड्स पे ना जाइएगा टेनेब्रेस का मतलब होता है अंधेरा अब देखिएगा कैसे यहाँ पर भाव निकल कर आ रहा है वर्ड्स का ए जो आप लोगों का ऑप्शन है ऑप्शिनेट बी ग्लूमी सी फ्रेजाइल एंड डी हैंगिंग तो जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शीनेट तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शीनेट मतलब जिद्दी बी जो है फर्जाइल उसका अर्थ होता है बहुत ही नाजुक और भंगुर. और जो सॉरी बी जो आप लोगों का है ग्लूमी ग्लूमी मतलब आप लोग समझ सकते हैं ग्लूमी का उदास तो इसका जो राइट right आंसर है सॉरी जो बी ऑप्शन है इसका है उदास और सी जो है फ़र्जाइल फ़र्जाइल का अर्थ होता है जो चीज़ नाजुक हो भंगुर हो और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है ओवर हैंगिंग ओवर हैंगिंग मतलब लटकती हुई तो देखिए मैंने कहा टेन एवरस टेन एवरस का अर्थ होता है अंधेरा और यहाँ पर एक ऐसा वर्ड जो इससे मिल रहा हो वो है ग्लूमी अब ग्लूमी मतलब होता है उदास तो ये वर्ड कैसे मिल रहा है कहते नहीं है कि आप उदास बैठे हो तो कहते कि अंधेरे में ना रहो अंधेरा मतलब आप लोग भाव समझिएगा अंधेरा मतलब काफ़ी हताश होकर बैठो काफ़ी उदास हो मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकाश में आओ या फिर थोड़े प्रकाश मतलब हैप्पी करो खुद को आप लोग भाव समझिएगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये यह जो वर्ड है वो मैच हो रहा है टेनेब्रेस का जो राइट आंसर होगा जो राइट सिनोने होगा वो होगा ग्लूमिंग आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी चलिए देखते हैं अपना ग्यारहवा जो वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पे डाइवल्स डाइवल्स का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज़ को सामने पुट करना या रखना प्रकट करना ऑप्शन आप लोगों के हैं ए रिवील बी एक्सप्लोर सी कंसील एंड डी स्ट्रिप तो जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है ए रिवील रिवील का मतलब होता है भेद खोल देना या प्रकट कर देना अब आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का है एक्सप्लोर एक्सप्लोर का अर्थ होता है खोजना जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो है कंसील कंसील मतलब छिपाना किसी चीज़ को हाइड रखना और डी ऑप्शन जो आप लोगों का है स्ट्रिप स्ट्रिप मतलब होती है पट्टी तो जो आप लोगों का राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रिवील रिवील मतलब प्रकट करना है भेद खोलना डेबल्स uh, मतलब प्रकट करना है भेद को आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए भाव जो मैच कर रहे हो जहाँ पर तो वही होगा बारवा बार वर्ड्स जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रिटल स्किटल का मतलब होता है आप लोग समझ लीजिए कि एक ऊसाने की मशीन मतलब जो चीज़ अलग अलग थलग करती हो वो उसे स्क्रिटल कहते हैं आप लोगों को जो ऑप्शन दिए हैं ए पोल्यूट बी सेबोटेज सी साउट एंड डी succeed. तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है इसके वर्ड मीनिंग होगी पॉल्यूट मतलब नापाक जो मैला हो साउट सॉरी सेवेटेज सेवेटेज मतलब होता है जैसे कि आप तोड़ फोड़ करना तोड़ फोड़ करना और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है उसका उसकी साउट साउट मतलब होता है चिल्लाना चिल्लाहट और आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है उस शक्सीट शक्सीट मतलब Uh, सफल होना इसका तो इसका जो राइट right आंसर है वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तोड़फोड़ करना और इसका टल इसका मतलब ओसाने की मशीन ऊसाने की जब आप लोग देखते हो जैसे कि जब कोई चीज़ उसाई जाती है तो वो चीज़ अलग हो जाती है सेपरेट हो, होती रहती है तो मतलब इधर उधर बिखरना या फिर तोड़ फोड़ होना तो यही इसका राइट right आंसर होगा तेरहवा वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे इंडिजिनस इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी आप लोगों के ऑप्शन है ए नॉर्मल बी इंटरनल सी नेचुरल एंड डी नेटिव नॉर्मल मतलब साधारण इंटरनल मतलब अंदर का नेचुरल मतलब प्राकृतिक एंड नेटिव मतलब जो मूल निवासी होता है उसको तो जो इंडिजिनस का जो राइट आंसर होगा सिनोनम्स होगा वो होगा आप लोगों का डी नेटिव चौदह वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेमेंटेबल लेमेंटेबल मतलब होता है कि जो पछतावा करने योग्य हो आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं ए डेप्लोरेबल बी कंटेम्प्टेबल एंड सी रिमोर्सफुल एंड डी स्कॉर्नफुल डेप्लोरेबल मतलब होता है खेदजनक और कंटेम्प्टेबल मतलब होता है घिनौना रिमोर्सफुल मतलब होता है जो ग्लानी ग्लानी से पूर्ण हो और सी जो आप लोगों का डी ऑप्शन है स्कॉर्नफुल स्कॉर्न मतलब तिर, तिरस्कारपूर्ण अपमानजनक तरीके से तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डिप्लोरेबल डिप्लोरेबल मतलब खेदजनक और जैसा कि मैंने बोला लेमेंटेबल मतलब पछतावा करने हो किसी चीज़ को करने के बाद पछता रहे हैं खेद हो रहा है हमें दुख हो रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डिप्लोरेबल चलिए देखते हैं अपना जो वर्ड पंद्रवा है डेफ्ट डेफ्ट मतलब होता है चतुर आप लोगों के ऑप्शन है ए स्किलफुल बी वेगरस सी स्विफ्ट एंड डी डिसटफुल स्किलफुल स्किलफुल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा चालाकी से जो काम करे जो बहुत ही चतुराई से कार्य करे स्किलफुल उसको कहते हैं जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है विगरस विगरस का अर्थ होता है ज़ोरदार तरीके से जो काफ़ी तेज हो तेज हो काम करने में विगरस और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है उसका स्विफ्ट स्विफ्ट मतलब तीव्र और जो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है उसका अर्थ होगा डिसीटफुल डिसीटफुल मतलब का सॉरी डिसीटफुल का जो अर्थ होता है वो होता है छल से कोई चीज़ कोई कार्य अगर आप लोग छल से करते हैं तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो स्किलफुल मतलब थोड़ा सा जो चतुराई से कार्य किया गया और डेफ्ट मतलब चतुर तो ये जो होगा इसका सिनोनम्स होगा तो चलिए देखते हैं अपना जो सोलवा वर्ड है सोलवा वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे होर्ड होर्ड का मतलब होता है ढेर ऑप्शन है आप लोगों के डिस्ट्रॉय बी हाइड सी स्टोर एंड डी डिवाइड डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना हाइड मतलब किसी चीज को छिपाना स्टोर मतलब इकट्ठा करना और डी जो है डिवाइड डिवाइड मतलब बांटना तो यहाँ पर जो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है स्टोर स्टोर मतलब इकट्ठा करना होड मतलब ढेर तो ये इसका सी होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोर होड का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोर चलिए देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर सॉरी आंसर नंबर नम, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वह आप लोगों का वाफ्ट वाफ्ट का मतलब होता है प्रतिध्वनि जब हम कोई गूंज या प्रतिध्वनि जब आप कोई चीज़ बोलते हो किसी खाली कमरे में हो तो आपकी जो आवाज़ है वो कई जगहों से टकरा कर फिर से आप तक है तो वो प्रतिदुन कहलाती है आप लोगों के ऑप्शन है ए क्लाइम बी फ्लोट सी सिंग, एंड डी ड्रोन ए जो है क्लाइम इसका अर्थ होता है चढ़ना बी फ्लोट फ्लोट मतलब पानी पर तैरना सी ऑप्शन जो है उसका अर्थ होता है सिंग सिंग मतलब डूबना और डी जो होता है ड्रोन ड्रोन मतलब डूब मरना तो जो आपका राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं सत्रवा सत्रवा नंबर आप लोगों का है वर्ड वाफ्ट वाफ्ट मतलब होता है प्रतिध्वनि या गूंज आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं ए क्लाइम बी फ्लोट सी एंड डी ड्रोन क्लाइम का अर्थ होता है सॉरी वाफ्ट का जो अर्थ होना हाँ वाफ्ट का अर्थ होता है प्रतिध्वनि ए जो आप लोगों का ऑप्शन है उसका क्लाइम क्लाइम का चढ़ना बी फ्लोट फ्लोट मतलब पानी में तैरना सी सिंक मतलब डूबना और डी ड्रॉन मतलब डूब कर मरना तो अब आप लोगों को यहाँ पर भी भाव समझना पड़ेगा वाफ्ट कहाँ गूंज कहाँ जो इसका रा, राइट आंसर तो होगा बी फ्लोट पानी में तैरना लेकिन भाव भी इसका देखिए पानी में तैरना का गूंज से क्या मतलब है पानी के में तैरना और गूंज से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी गहरा रिलेशन आप लोगों को लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा सॉरी आप लोगों को कोई रिलेशन नहीं लग रहा होगा इसमें लेकिन है कैसे है वो थोड़ा सा अगर आप लोग अपना जो माइंड है थोड़ा सा और तेज़ दौड़ा है तो आप लोग देखेंगे कि पानी का पानी में तैरना मतलब इधर उधर इधर उधर घूमना मतलब कि ऐसे घूमना कि लहरों के टकराव से इधर उधर घूमना गूंजना हम लोगों का गूंजना और जो पृथ्वी सॉरी जो प्रतिध्वनि है उसका गूंजना मतलब प्रतिध्वन तो गूंजती है और पानी में जो हम लोग गूंजते हैं मतलब हम लोगों का गूंजना फ्लोट पानी में तैरना आप लोग समझिएगा ये जो भाव यहाँ पर बताया जा रहा है फ्लोट और वाफ्ट का तो यही रिलेशन है मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर एक गूंज से दिखाया गया है कि हम लोग कैसे पानी में तैरते हैं और जैसे जैसे आवाज़ गूंजती है गूंजती मतलब आवाज़ इधर से टकराई और दूसरी तरफ से टकराकर वापस हम लोगों के पास आ गई उसी तरह हम लोग भी पानी में एक जगह स्टेबल नहीं रहते स्थिर नहीं रहते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे स्थिरता से यहाँ पर तात्पर्य है जैसे आवाज़ स्थिर नहीं होती है वैसे हम लोग भी स्थिर नहीं रहते हैं पानी में तैरते समय ये इसका अर्थ निकल कर आ रहा है बहुत ही गहरा है समझना पड़ता है तो ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पूछ लिए जाते हैं और मतलब एकदम दिमाग घुमा देता है आप लोग कभी विचार ही नहीं जाएगा आप कहेंगे पानी में कहाँ तैरना और कहाँ गूंज क्या रिलेशन है कुछ भी नहीं है लेकिन आप लोग जब दिमाग लगाएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर साइकोलॉजिकली तरीके से आपके सामने आ जाती हैं तो अब देखिए कितना गहरा रिलेशन निकल कर आया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोट चलिए बढ़ते हैं अपने अट्ठारहवें क्वेश्चन की तरफ अट्ठारवा जो वर्ड है आप लोगों का अठारवा वर्ड है क्विबल क्विबल का क्या अर्थ होता है क्विबल का मतलब होता है वक्रोक्ति 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 का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं आ, ये वर्ड थोड़ा सा कठिन है वक्रोक्ति एक तो ये जो वक्रोक्ति है वो अलंकार से जुड़ा हुआ है और अलंकार से जुड़ा हुआ है इसका अर्थ होता है थोड़ा सा तर्कपूर्ण तरीके से वक्रोक्ति तो यहाँ पर जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है ए अर्ग बी डिप्रेस सी एक्सप्रेस एंड डी क्वैनल तो अर्ग का मतलब होता है थोड़ा सा समझिए जैसे तर्कपूर्ण तरीके से तर्क करना किसी चीज़ पर अपना तर्क करना बी डिप्रेस डिप्रेस मतलब यहाँ पर एक तो होगा दबाना एक हो जाएगा अगर थोड़ा सा उसको डिप्रेशन में कर दे तो आ, उदासी उदासी जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन में काफ़ी उदास हैं तो डिप्रेस मतलब यहाँ पर आप दबाना ले लीजिए प्रेशराइज़ करना किसी चीज़ को सी एक्सप्रेस एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना और जो डी है वो है क्वरल तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर् चलिए बढ़ते हैं अपने उन्नीसवें क्वेश्चन की उन्नीसवें वर्ड की तरफ उन्नीसवा वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर मिल्ट मिल्ट का मतलब होता है मिक्सचर मतलब मिलना मिश्रण तो आप लोगों को ऑप्शन है ए ग्लिसन बी परचेज सी मर्ज एंड डी सूत तो ग्लिसन मतलब चमकना परचेज मतलब ख़रीदना मर्ज मतलब मिलना एंड सूत मतलब शांत करना किसी को तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे ये वर्ड का जो सनम्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है मर्ज मर्ज मतलब मिलना इसका राइट आंसर मर्ज मतलब मिश्रण और मर्ज मतलब भी मिलना मिश्रण चलिए बढ़ते हैं अपने बीसवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ट्रंकेट ट्रंकेट का मतलब होता है काट छाट करना अलग करना आप लोगों के ऑप्शन हैं ए कैंसिल बी एक्ट क्रूली सी कट ऑफ एंड डी एंड स्वेफ्टली कैंसिल मतलब निरस्त कर देना एक्टली मतलब निर्दयतापूर्व कोई कार्य किया गया कट ऑफ मतलब काटना और जो ऑप्शन नंबर डी है एंड स्विफ्टली तेजी से समाप्त करना किसी कार्य को तेजी से उसके उसके अंत तक पहुंचाना, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है कट ऑफ कट ऑफ मतलब काटना एंड मतलब काट छाँट करना या अलग करना तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा कट ऑफ आई होप कि अगली जो वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आप लोगों को आप लोगों की जो क्लास है वो भी लाइव लेंगे